अफवाहों के पैर नहीं होते, अफवाहें चलती नहीं, फैलती हैं, और अफवाहें मन में बस जाएं तो उनकी सीमाएं अनंत हो जाती हैं। लोग झूठे दावे पर भी विश्वास करने लगते हैं, अपनी गाढ़ी कमाई लुटाने लगते हैं। इस तस्वीर को देखिए, इसमें तिरपाल के ऊपर बैठा यह शख्स दावा कर रहा था कि उसके खेत में भगवान की मूर्ति मिली है, वो भी सोने की। जंगल के आग की तरह ये बात गांव में फैल गई और भोले भाले लोग झांसे में फंस गए। मामला उन्नाव के महमूदपुर का है। यहाँ के अशोक नामक शख्स ने खेत की खुदाई में पीली धातुओं की मूर्तियां निकलने की कहानी गढ़ दी। दावा किया कि उसने खेत की खुदाई की तो गड्ढे में लक्ष्मी, सरस्वती, कुबेर की मूर्तियों के अलावा रुद्राक्ष, चाबी, सिक्का, कछुआ, कौड़ी निकली। इसके बाद अशोक अपने बेटे के साथ मूर्तियों को लेकर खेत में पहुंचा, तिरपाल लगा दी और पूजा पाठ करने लगा। दो दिन तक ये पूरा तमाशा चलता रहा। चढ़ावे में उसने 35,000 रुपए कमा लिए। लेकिन कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी था। इस बीच जानकारी सामने आई कि दरअसल ये मूर्तियां खेत से नहीं निकली थी, बल्कि उसे ऑनलाइन मंगाया गया था। जिस डिलीवरी बॉय ने मूर्तियां डिलीवर की थी, उसकी गवाही भी सामने आ गई। तब तक पुलिस भी इस मामले की तह तलाशने में जुट चुकी थी। डिलीवरी बॉय की गवाही और आरोपी के कबूलनामे के बाद पुलिस ने शांति भंग के आरोप में अशोक और उसके दोनों बेटों को हिरासत में ले लिया है। आस्था के साथ मजाक, अंधविश्वास का खेल और भावनाओं से धोखा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि कुछ पैसे कमा लें।